अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील टीएफटी स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। पीएसएल का मेला ख़त्म हुआ, मुल्तान सुल्तान इज़ द न्यू चैम्पियन, पहली मर्तबा जीते वो। 47 रन से उन्होंने शिकस्त दी पिशावर जलमी को। एक मजबूत टीम थी पिशावर जलमी की, लेकिन मुल्तान सुल्तान के कप्तान ने मोहम्मद रिजवान ने बड़ी बहादुरी के साथ अपनी टीम को फतह से हमकिनार किया। मेरे ख्याल में ये उनके लिए एक तारीखी बात है, वो पहली मर्तबा फाइनल्स में पहुंचे थे। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूं। पीएसएल 6 तो ख़त्म हो गया, लेकिन अपने साथ बहुत सारी यादगारें छोड़ गया, स्टैटिस्टिक्स छोड़ गया। इस पीएसएल 6 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बाबर आजम 554, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले शाहनवाज धानी 20 विकेट, सबसे ज़्यादा 6 मारने वाले सिक्सेस मारने वाले शर्जील खान 23, सबसे ज़्यादा कैच लेने वाले इफ्तिखार जनाब ये, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया पीएसएल 6 में 247 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पीएसएल अपनी यादें छोड़ गया, लेकिन अगला पीएसएल भी आएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कल इंग्लैंड पहुंच जाएगी, आज वो रवाना हो जाएगी 25 को, और फिर इंग्लैंड में सीरीज शुरू होगी T20 एंड ODI की, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने चेंज किया है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स दें। ये एपिसोड, ये जो सीरीज़ हमने की पीएसएल पे, ये थ्रू द स्पॉन्सरशिप ऑफ नया नाजाबाद। नया नाजाबाद एक खूबसूरत हाउसिंग प्रोजेक्ट, काइंडली विजिट दैट। और अब तो ये खुशी की बात और भी है कि नया नाजाबाद ने कल से अपनी टीम बनाने के लिए 2 रोज़ा ट्रायल्स कर रहे हैं, वो कल और परसों ट्रायल्स कर रहे हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चे इन ट्रायल्स में हिस्सा ले सकते हैं। इंतहाई माहिर कोचेस के निगरानी में ये ट्रायल होगा, और जिसको भी फॉर्म चाहिए वो नया नाजाबाद जिमखाना क्रिकेट स्टेडियम पहुंच जाए, वहां से फॉर्म ले और अपने आप को रजिस्टर कराए। नया नाजाबाद इज ऑलवेज ए प्रोमोटर ऑफ क्रिकेट। आप ज़रूर, जो यंग बच्चे हैं खासतौर पर, उनसे मैं ज़रूर कहता हूँ कि उसमें शिरकत करें, यह आपकी बेहतरी के लिए है, पॉजिटिवनेस है। बहुत सारी बातें होती हैं पीएसएल की, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो प्रेशर होता है कवरेज का, इस सिलसिले में हमने बात की है मासूम रिजवी साहब से। मासूम रिजवी साहब से हमने बात की है कि न्यूज रूम का क्या प्रेशर होता है पीएसएल 6 के दौरान, आप कैसे मसले को हैंडल करते हैं जो अचानक खबरें आ रही होती हैं। तो आइए, मासूम रिजवी साहब कंट्रोलर न्यूज़ हैं बोल्ड टेलीविजन के, आइए उनसे उनके ख्यालात जानते हैं, वो क्या कहते हैं। जी मासूम रिजवी साहब। जी इकबाल जमील साहब, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ के लिए पीएसएल का इवेंट बहुत अहम है। अहम इसलिए है कि एक तो क्रिकेट की बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, और दूसरी बात यह है कि ये एक कौमी इवेंट, एक बड़ा इवेंट, एक कलरफुल इवेंट है, तो न्यूज़ के लिए बड़ी इम्पोर्टेंस होती है इसकी, और लम्हा लोगों को, व्यूवर्स को अपने आगाह रखना पड़ता है, अच्छे पैकेजेस बनाने पड़ते हैं, बम्पर्स, बग, तैयारी, स्कोर बोर्ड, तो खासी तैयारी करनी पड़ती है। और ख़ास तौर पे जब ये फाइनल की तरफ जाते हैं और जैसे जैसे मैच मैच्योर होते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ मीडिया में तो है ही, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया भी, जो टीवी के सोशल मीडिया सेक्टर होते हैं वो भी बड़ा इसको कवर करते हैं। और देखें, पीएसएल शुरू शुरू में तो शायद कुछ रिजर्वेशन थी चैनल्स की, जब पीएसएल 1 हुआ था मेरे ख्याल में 6 साल पहले की बात है, तो उस वक्त ये था कि चूंकि टीम जो है वो स्पॉन्सर्ड थी और उसमें कुछ चैनल्स थे, तो कन्फ्यूजन था कि इसको लेना है नहीं लेना है, किस तरह कवर करना है।
लेकिन बाय द टाइम जब सेकंड पीएसएल आया तो ये कन्फ्यूजन दूर हो चुका था, क्योंकि ये वाजे हो चुका था कि ये नेशनल इवेंट है, तो तमाम चैनल्स ने इसको उसी तरह कवर किया। कुछ अरसे ये पाकिस्तान में हुआ तो उसका कलर, उसका जो थीम था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो पब्लिक के जज्बात थे। अब बाहर हो रहा है, जाहिर है कि कोरोना की वजह से बड़े मसाइल हैं, पूरी दुनिया के क्रिकेट के मसाइल हैं। तो न्यूज़ के लिए आज भी पीएसएल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और आपने देखा होगा कि बात चैनल तो ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर कवर कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर कवर कर रहे हैं, जिनकी फ्रेंचाइजेज भी हैं, और बाकी जितने चैनल उसके अलावा हैं वो भी कवरेज पूरी देते हैं। ये सही है कि उसको प्रोग्रामिंग में एक या दो घंटे की ट्रांसमिशन रोज़ाना नहीं करते, वो लोग करते हैं जो इसकी कवरेज कर रहे हैं, लेकिन जो इसके फ्रेंचाइज़र हैं। लेकिन तमाम चैनल्स, चूँकि व्यूअर का ये इसकी तवज्जो है इस तरफ, तो हर मोमेंट को कवर करना, मोमेंट टू मोमेंट व्यूअर्स को अवेयर रखना, और इस वैसे भी नेशनल इवेंट है, इसको करना ही चाहिए। उसके अलावा तो न्यूज़ में बड़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, और न्यूज़ इसको पूरी तरह कवरेज देती है। अच्छा, तो ये थे बम्पर्स तैयार होते थे। मासूम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने। और नाज़रीन, ये हमारा आखिरी एपिसोड है नया नाज़ाबाद का, नया नाज़ाबाद की स्पॉन्सरशिप के साथ, और इंशाल्लाह ताला यार जिंदा सोबत बाकी आइंदा मिलते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा, थैंक यू वेरी मच नया नाज़ाबाद, थैंक यू वेरी मच द मैनेजमेंट, यू पीपल आर ट्रू प्राइड ऑफ एक्सेलेंस, ए मार्क ऑफ एक्सेलेंस, यू पीपल आर रियल स्पोर्ट्स लवर। थैंक यू वेरी मच। इकबाल जमील को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, हफ्ता बार एपिसोड के साथ मैं आपके साथ शामिल होता रहूँगा। उस वक्त तक के लिए इकबाल जमील को इजाज़त दीजिए TFD स्पोर्ट्स से। अल्लाह हाफिज़।